पहले ही मालूम रहता है, बल्कि हम लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा। ये बिल्कुल सच है। सच कहें तो सत्यम के लिए प्राथमिक पाठशाला कुछ भी नहीं है। असल में मेरे कैसे बोलूं ये पता नहीं पा रहा हूँ। ये तो इससे कहीं बहुत आगे ऊंची पढ़ाई करके जीवन में बहुत ऊपर जाने वाला है। क्या बताऊं, इसे जरा कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ, हमें सत्यम को हाई स्कूल में भर्ती करने की कोशिश करनी है। पिताजी, सत्यम की पुट्टपर्ती में प्राथमिक शिक्षा पूरी हो गई है। इसके ऊपर की पढ़ाई तो बुक्कपट्टनम में ही है। हाँ दादाजी, सत्यम को पढ़ने के लिए बुक्कपट्टनम भेजना होगा। वहाँ पढ़ने से आगे ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए रास्ता खुद ही खुल जाएगा। ऊंचे दर्जे में पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना होगा ना? वेंकम्मा पार्वती बेटी भी सोचती है इतने दूर भेजना उचित होगा क्या? अम्मा, मंदिर और स्कूल हर जगह नहीं होते, वो जहाँ होते हैं वहीं जाना होता है। समझ गई ना? हाँ समझ तो गई, लेकिन सत्यम कितना छोटा है, उसे आगे पढ़ाना है तो हमें थोड़ा दिल कड़ा करना ही होगा। हाँ माँ, हमारे गांव से बहुत से बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, उनके साथ मिलकर चला जाया करेगा, उन्हीं के साथ लौट भी आएगा। पढ़ने की उम्र है उसकी, हम इतना ज्यादा सोचेंगे तो कैसे चलेगा। सत्यम, क्या माँ? बुक्कपट्टनम जाकर पढ़ोगे बेटा? मैं पढ़ने के लिए वहाँ जरूर जाऊंगा। सत्यम, तुम पढ़ने के लिए इतनी दूर जाने को तैयार हो? मैं जरूर पढ़ने जाऊंगा माँ। मैं स्कूल जाने के लिए इसे तैयार करवा दूंगी। चित्रावती नदी तक मैं इसे छोड़ आऊंगी। ईश्वर अम्मा, वो तो तैयार है, तुम कहीं रोक ना देना। सच बोलो, वो बुक्कपट्टनम जाए तुम चाहती हो ना? आप सभी जाने के लिए कह रहे हैं, सत्यम भी जाना चाह रहा है। ये अच्छे से पढ़कर ऊंची शिक्षा हासिल करे, मैं भी यही चाहती हूँ। देखो सत्यम, मन लगाकर पढ़ाई करना, खूब तरक्की करना। सत्यम। क्या माँ? मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करना, इसमें थोड़ा सा सत्तू रखा है और इसमें थोड़ा सा नमकीन रख दिया है, खा लेना। दोपहर को खाना खाना मत भूलना। सत्यम। क्या पिताजी? इंग्लिश की पढ़ाई ध्यान से मन लगाकर करना, इंग्लिश में अच्छे से बातचीत करना सीखना। हमारा राजू बेटा अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलता है, ऐसा पूरा गांव बोलना चाहिए। समझ गए? जी पिताजी। सत्यम, वो हमारे गांव का स्कूल नहीं है, किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करना, जो पढ़ाए ध्यान से सुनना, घर आकर होमवर्क करना। ऊंची पढ़ाई के लिए बुक्कपट्टनम का स्कूल बहुत ही अच्छा है, वहाँ के मास्टरों से सावधान रहना। मास्टरों से सत्यम को सावधान रहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मास्टरों को सत्यम से सावधान रहना होगा। समझ गए? एक ही बात 10 बार बोल के क्यों बच्चे को डराते हो? अच्छी बातें जितना भी दोहराए उतना अच्छा है। आपके पोते को ही बताया जा रहा है ना? मेरे पोते को एक बार बोलना ही काफी है, ये तो बाल मेधावी है, इसकी पढ़ाई ही अलग है, और इसे पढ़ाने लायक है ही कितने लोग। क्योंकि तुम लोग जिद कर रहे हो इसलिए भेज रहा हूँ, नहीं तो। ये आप नहीं, आपकी ममता बोल रही है। सत्यम, चलो चलो, तुम्हारे दोस्त लोग खड़े हैं और स्कूल का समय भी हो गया है, चलो चलते हैं। देख मेरा कितना दूर जा रहा है, देखा? तेरा तो सुपर जा रहा है। हाँ, अब देखो। हाँ, अब देख मेरा कितना दूर जा रहा है, देखा मेरा कितना दूर गया। जय जय विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ पांडुरंग विठला। चल चल यहीं बैठ जाते हैं हम सब। पांडुरंग विठला पंढरीनाथ। हाँ यहीं पे बैठेंगे। राजू के स्कूल जाने का रास्ता यही है ना? हाँ यही है, आए तो देखते हैं उसे। हाँ ए, देखो आ गया। हाँ विठल विठल गोविंद विठल गोपाल विठल गोविंद विठल
हमारे कपड़े देखो कितने गंदे हैं, और राजू के कपड़े देखो कितने साफ सुथरे हैं। धत, राजू के कपड़े तो हमेशा चमकते रहते हैं, चलो कुछ करते हैं। उसके कपड़े भी हम लोग गंदे कर देते हैं अपने कपड़ों जैसा। हाँ, हाँ, यही यही कर, चलो यही करते हैं। ओए, रुक। ए, गाना बंद कर। ओए। चल बताते हैं ऐसे। बेचारे को तंग मत करो, देखो किसी पर कीचड़ फेंकना ठीक नहीं होता है। क्यों तुमने रुक दिया, और डालो और डालो। क्यों राजू गुस्सा रहा है? गुस्सा क्यों, मेरे कपड़े गंदे हो गए, बहुत खुश हो तुम लोग, लेकिन मेरे कपड़े गंदे होने से तुम्हारे कपड़े तो नहीं साफ हो गए। ये जो किया है तुम लोगों ने, उससे कोई फायदा मिला क्या? देखा ना, तुमने कीचड़ भी डाला और साफ भी कर दिया। किसी के मन को कष्ट पहुंचाना बहुत आसान है। राजू, साफ कपड़े को मैला कर देना हर किसी के बस में होता है, लेकिन साफ मन को कोई गंदा नहीं कर सकता। जरा सा भी गुस्सा तुम्हें नहीं आया राजू? नहीं आया, क्योंकि तुमने अज्ञानवश ये काम किया, तुमने बिना जाने बूझे किया था ये गलत काम। चलो हम सब साथ साथ स्कूल चलेंगे। आओ चलो, देर हो गई है। सत्यम, हर रोज इतने सारे फल फूल कहाँ से लेकर आते हो? मेरे घर में एक शक्ति है, ये सब मुझे उसी शक्ति से मिलता है। मुझे जो कुछ मिलता है उस शक्ति से विनायक को चढ़ा देता हूँ। अगर हम लोग कुछ मांगे तो वो शक्ति देगी क्या? जरूर देगी, लेकिन जब देना है तभी देगी। समय आएगा तो स्वयं मैं ही दे दूंगा तुम्हें। सत्यम, गणपति को तो रोज कुछ ना कुछ देते हो, लेकिन हम लोगों को? गणपति ने कभी कुछ नहीं मांगा, बस तुम ही लोग मांगते रहते हो, इसीलिए देर होती है। कुछ न मांगे हे मनसा, मांगे से तो कुछ न मिलेगा, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता। बिन मांगे शबरी धन्य हुई, बिन मांगे जटायु ने प्राण दिए, तो राम ने स्वयं सदगति दे दी। कुछ न मांग हे मनसा। राजू, तुम्हारे हाथ में विभूति कहाँ से आई? कहा था ना, मेरे घर में एक शक्ति है, वो शक्ति मुझ में भी है। राजू, तुम हम लोगों जैसे छोटे ही हो, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो,
हमें समझ में नहीं आता। समझने वालों को ही मेरी बातें समझ में आएंगी। हाँ चलो चलो जल्दी, देर हो रही है ना। चलो देर हो रही है, तू सेठ लाया क्या? अभी घंटी बजने वाली है। अरे बच चुकी, जल्दी चलना। अरे कुछ वो छुट, एक चल, ए भाग जल्दी, ये तो मास्टर डांटेंगे। ए चल जल्दी कर, जल्दी। हाँ ये साइलेंस साइलेंस साइलेंस, तक तक क्यों रे? स्कूल को तुम लोगों ने गढ़ैया गोल समझ रखा है क्या? ये सब्जी मंडी समझ रखा है इसे? बेवकूफ लोग गधों की तरह चिल्ला रहे हो हैं? हाँ, आज मैं तुम्हें परवस्तु चिन्नय सूरी जी की लिखी हुई किताब से बढ़िया नीति कथा पढ़ाने जा रहा हूँ। तुम सब उसे ध्यान से सुनकर सुनकर साइलेंस। कौन है रे? जब मैं प्रश्न पूछूं फटाक फटाक जवाब देते जाना, नहीं बताए तो क्या होगा? पीठ पे डंडे पड़ेंगे। कौन है रे? कौन है, कौन है रे? उल्लू का पट्टा जरूरत से ज्यादा बकवास कर रहा है। कौन था? पीट पीट कर पीट लाल कर दूंगा, समझे? पहले कहानी तो बताइए मास्टर जी। कौन है, कौन है, कौन है वो? घास भूसा समझ रखा है क्या? कम वक्त पकड़ा गया तो छोड़ूंगा नहीं। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अब मैं बताने जा रहा हूँ परवस्तु चिन्नय सूरी जी के पंचतंत्र से ली गई नीति कथा। पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पहले कौन, क्या है वो? बहुत पहले नायक मुझे याद दिलाता है गधा। बहुत पहले देव शर्मा नामक एक कपटी सन्यासी था। वो वेदांत कथाएं नीति कथाएं सुनाकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करता था। बेचारी जनता उसे सच्चा सन्यासी समझकर धन संपत्ति ये वो समर्पित करती थी। मास्टर जी ठीक ठीक, कहानी के समय ही तुझे ये लगना था। थकना लायक, मैं भूल गया। बहुत पहले, बहुत पहले कितनी बार बोलेंगे? समर्पित कर देती थी, उसके आगे से बोलिए मास्टर जी। वही से बताता हूँ, बेवकूफ बैठ जा। नालायक, दान के गहने और नकदी वो सन्यासी संभाल कर एक झोली में छिपा कर रखता था। वो बड़ा ही मक्खी चूस लोभी, किसी को एक दमड़ी नहीं देता था। कौन है रे? किसने छीका? नालायक कहीं का बोलो, किसने छीका? मेरी चौक पीस टूट गई, कैसे पढ़ाऊंगा? एक टुकड़ा मैलू मास्टर जी। क्यों रे? ये कोई गन्ने का टुकड़ा है जो तू आधा टुकड़ा मांग रहा है? ये चौक का टुकड़ा है। चोर की कहानी बताइए ना मास्टर जी। क्या क्या, किसने बोला चोर की कहानी? किसने कहा, किसने कहा? तूने? ये झूठी कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है, देव शर्मा की कहानी है, ध्यान से सुनो। बहुत पहले जानता हूँ, शोर मचाओ। हाँ, उस देव शर्मा से आषाढ़ भूति नाम का एक आदमी मिला। मिलकर आहा, ये सन्यासी तो केवल बातों से जनता को लूटता जा रहा है। उसने सोचा कि मैं भी अगर इसका शिष्य बन जाऊं तो कितनी अच्छी बात होगी। किसने सोचा? आषाढ़ भूति ने। करेक्ट, बहुत सही बोला। आखिर वो गुरु के पास जा पहुंचा, जाकर साष्टांग नमस्कार किया और जमकर सेवा की, पांव दबाए सब कुछ किया और धीरे धीरे गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। कौन? वो तो हम जानते ही हैं, आगे की कहानी बताइए ना। क्यों रे, ये कोई बेताल कथा है क्या? बताता हूँ, जल्दी क्या है? घंटी बज गई तो कहानी धड़ी की धड़ी रह जाएगी, हम अपने घर चले जाएंगे। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, बजने दो घंटी, कोई बात नहीं, इसके बाद मेरा ही क्लास है, गणित की बजाय तुम्हें यही पढ़ाऊंगा। इस प्रकार गुरु का प्यारा बन गया वो भूति। फिर आशर का क्या हुआ मस्त जी? घास चरने गया, मूर्ख गधा कहीं का। कहानी सुन, बहुत पहले आषाढ़ भूति एक रोज गुरुजी के पास पहुंचा। पहुंचकर उसने कहा, गुरुजी आप यहीं रहिए, बस मैं अभी आता हूं। गुरुजी ने पूछा, क्यों क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, और एक घास का तिनका दिखाते हुए बोला, कल रात
हम लोग एक घर के चबूतरे पर सोए थे, वहां पड़ा एक घास का टुकड़ा मेरी धोती में अटक कर यहाँ मेरे साथ ही चला आया। दूसरों का तिनका भी नहीं छूना चाहिए, ये बात आप ही ने सिखाई थी ना, इसलिए मैं फौरन जाकर उस घर के मालिक का तिनका लौटा कर आता हूँ। बहुत अच्छा गुरु जी ने कहा। उसके जाने के बाद गुरु ने सोचा, आहा, अब जाके कहीं मिला है असली चेला, और बहुत खुश हो गया। मास्टर जी क्यों रे, आजे जी ठीक ठीक भाग 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 भाग। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, शोर ना मचाओ बेवकूफ लोग। आषाढ़ भूति वापस आया, गुरु जी ने अपनी झोली आषाढ़ भूति के हाथों सौंप दी। उस झोली में गहने और रुपये थे ना मास्टर जी? थे गधे, इसीलिए गुरुजी ने उस पर विश्वास कर झोली उसे संभाल कर रखने के लिए दे दी और खुद नहाने तालाब पर चले गए। तू बैठ। जाकर गुरुजी ने विधिवत स्नान किया। ध्यान से सुनो, स्नान करके बदन अच्छे से पोंछ कर वापस लौटे तो पाया आषाढ़ भूति गायब है। आषाढ़ भूति गया कहां? इधर देखा उधर देखा, पेड़ के नीचे देखा, बाग में ढूंढा, गांव में ढूंढा, खेतों में ढूंढा, दूर दूर तक ढूंढा, कहीं नहीं दिखा। आषाढ़ भूति, मेरे आषाढ़ भूति, तू कहां है मेरे रुपए, मेरे गहने, सारा कुछ तो उसी झोली में था, वो झोली कहां गई? आषाढ़ भूति तू कहां गया? आषाढ़ भूति चिल्लाते हुए ढूंढा और वो कहीं नहीं मिला। उसने देखा कुछ लोग बैठे हैं, उनको जाकर पूछा, क्यों जी मेरे आषाढ़ भूति को देखा क्या आपने? नहीं नहीं हम नहीं जानते, कहा उन्होंने। मेरी झोली देखी क्या? उन्होंने कहा झोली वोली कुछ नहीं जानते, हम लोगों में से किसी ने भी किसी को नहीं देखा, झोली वोली कुछ भी नहीं देखी। कुछ नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखी, अब जवाब देना होगा। अब मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, जवाब देना होगा। आषाढ़ भूति ने झोली सच में चुराई थी क्या? लौट कर फिर सन्यासी के पास आएगा क्या? नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते, कोई नहीं जानता। अरे बेवकूफो, जैसे नानी कहानी सुनाती है वैसे सुनाई मैंने, पूरी की पूरी कहानी सुनाई। ध्यान से सुनो, कहा था मैंने, किसी ने ठीक से नहीं सुनी। क्यों रे, जब मैं कहानी सुना रहा था तुम लोगों की अकल घास चरने गई थी क्या? गधे कहीं के, कोई भी जवाब देने वाला नहीं है क्या? जवाब मैं देता हूँ सर। तुम दोगे? दो। उस थैली को चुराने के लिए ही आषाढ़ भूति ने कपटी सन्यासी का विश्वास जीता था। देव शर्मा का विश्वास पात्र हो गया था। अति विनयम धूर्त लक्षणम ये बात कहते हैं ना, उसी तरह गुरु से विश्वासघात कर वो थैली के साथ गायब हो गया। आषाढ़ भूति लौट कर नहीं आएगा। ठीक, सही जवाब दिया। देखा सत्यम ने कितना अच्छा जवाब दिया। तुम लोग स्कूल क्यों आते हो? किसी लायक नहीं हो, ना लायक कह के। फिर मैंने कल पढ़ाने के बाद नोट्स लिखकर लाने को कहा था, लाए हो? लाए हैं मास्टर जी। बैठ जाओ। सत्यम नोट्स लेकर आओ। लिखा ही नहीं सर। क्या कहा, लिखा ही नहीं? क्यों? मैंने लिखा ही नहीं, पर आपने जो पढ़ाया याद है। तुम्हें पाठ याद रहे या भूल जाओ, लिखने को कहा तो लिखना ही होगा। ये लोग लिख कर नहीं लाए हैं। लेकिन सबने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया सर, जवाब तो मैंने दिया। तो ये घमंड है तुझे? विद्यार्थियों को घमंड नहीं होना चाहिए। मैं खुश हूँ कि जो पढ़ा है तुम्हें याद है, लेकिन तुम नोट्स लिख कर नहीं लाए हो, इसलिए क्लास पूरी होने तक बेंच के ऊपर खड़े रहो। और कोई है जो नोट्स लिख कर ना लाया हो? आ
मास्टर जी मैं आ गया। कौन है रे तू? गया था ना। अरे दे दे जा 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 जा। ये क्या मास्टर जी? अरे कुर्सी डांस कर रहा हूँ और क्या बात क्या बात। क्यों मास्टर जी क्या हो गया? आप कुर्सी से क्यों चिपक गए हो? ये कुर्सी आपको बहुत पसंद है या कुर्सी को आप बहुत पसंद हैं? मजाक सूझ रहा है आपको? इस कुर्सी को ये बीमारी कैसे आई यही सोच सोच परेशान हूँ मैं। तमाशा लग रहा है आपको? आप भी अजीब हैं। जनाब अजीब तो आप हैं। सत्यम को सजा क्यों दी है आप जानते ही होंगे। जब सत्यम को बेंच से उतरने को बोलेंगे तभी आपकी कुर्सी छूटेगी। खान साहब, उसका बेंच पे खड़ा होना और मेरे कुर्सी से चिपकने में कोई संबंध है क्या? भाईजान, आप सत्यम को नीचे उतरने को बोलिए, आप खुद ही जान जाएंगे। सत्यम चलो नीचे बैठ जाओ। अब आप जरा कुर्सी से उठकर देखिए। साइलेंस साइलेंस। संबंध क्या है जान गए मास्टर जी? सत्यम अपना विद्यार्थी है लेकिन उसमें दैवीय शक्ति है। उसे आपने बिना बात के झूठ मूठ की सजा दे दी, इसीलिए आपको सबक सिखाने के लिए ईश्वर ने आपको सजा दी। समझ गए? सच्चा, मैं तुम्हें केवल विद्यार्थी समझता था लेकिन तुम तो देव बालक हो, ये चीज कहीं जाके अब समझ सका। गुरु को ही सद्बुद्धि देने वाले हो तुम। खान साहब, आप अपनी क्लास लीजिए। ठीक है। राजू अरे उसे कहीं देखा क्या? हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। हाँ चलो। राजू वो देखो वहाँ बैठा है। हम कब से ढूंढ रहे हैं वहाँ बैठा है। अकेला बैठे क्या कर रहा है? चलो देखते हैं। राजू, कल मास्टर जी को अच्छा पाठ पढ़ाया। ये पाठ वो भूलेंगे नहीं। गलत बात, गुरु तो भगवान होते हैं। गुरु से शिष्य को उपदेश प्राप्त होता है, उस उपदेश से शिष्य को ब्रह्म ज्ञान मिलता है, फिर वो ब्रह्म ज्ञान शिष्य को मुक्ति मार्ग बताता है। राजू, तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ऐसा ही है। फिर किस लिए गुरु जी को तुमने कुर्सी से चिपका दिया था, बताना जरा। तुम नहीं जानती हो, भगवान तो विनोद प्रिय है। कभी कभी हंसी मजाक करना भगवान को अच्छा लगता है। बचपन में बालकृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे विनोद के लिए ही।
उन्हीं बालकृष्ण ने कृष्ण भगवान बनकर द्रौपदी को वस्त्र दान दे उसकी रक्षा की। हाँ, यही बात तो मुझे मेरी माँ ने भी बताई थी। सारी चीजें तो जानते हो, फिर स्कूल क्यों आते हो? सारी चीजें फिर से क्यों पढ़ते हो? देवता लोग भी तो शिष्य बने। श्री राम विश्वामित्र के शिष्य थे, श्री कृष्ण सांदीपनी के शिष्य थे, विद्या सीखने के लिए थोड़े। गुरु और शिष्य एक ही होते हैं, सारी शास्त्र यही कहते हैं। माता पिता गुरु ईश्वर के ही रूप हैं। तुमने तो स्कूल में हाथ घुमाकर विभूति को प्रकट कर दिया था। ये मंत्र है या तंत्र है? वो न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है। भगवान की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ दैवत्व होता है। दैवत्व भरा हाथ कोई चलाए तो वहाँ सृष्टि होती है। ऐसा ही है। क्यों राजू, खुद को भगवान समझते हो? सूर्य को हम सूर्य कहते हैं, राम को हम राम कहते हैं, भगवान को हम भगवान मान पूछते हैं। मैं भगवान हूँ, मुझ में शक्तियाँ हैं, ये बात वो खुद नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। और वो इसलिए चमत्कार करते हैं कि उनके अस्तित्व को लोग पहचाने। राजू, थोड़ा खुल के बताओ ना हमें। मैं उचित समय पे बता दूंगा। जो मैंने कहा तुम लोग उस बात को अच्छे से सोचना, खुद ही समझ जाओगे। शाम हो रही है, चलो चले। ठीक है राजू। एक मैं सीढ़ी चढ़ गई, अब मेरी बारी। चार, एक दो तीन चार। सती तुम खेलो। अम्मा दया करो, माँ कुछ खाने के लिए दो। माँ ए कोई खाली नहीं है, आगे जाओ। अम्मा कई दिनों से खाया नहीं है। माँ अरे रे सांप, तो एक सत्यम रसोई में गया है। हाँ भिखारी के लिए कुछ लेने गया है। अम्मा तो है ना, अम्मा से क्या देता। यहाँ पर अम्मा, कुछ खाने के लिए दो। माँ दो। सुखी रहो बेटा। सत्यम यहाँ आओ। अम्मा आंगन में है ना, हर मांगने वाले को देते रहोगे तो तुम्हारे लिए मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। न बचे तो न बचे, कोई भूखा मांगे तो खाना देना चाहिए। ऐरों गैरों को खाना देना है तो तुम उपवास करो। इतना ही ना, माँ भी तो कभी कभी उपवास कर भूखी रहती हैं। वो तो ईश्वर को खुश रखने के लिए करती है उपवास। लेकिन ईश्वर तो मनुष्य में भी होते हैं, ईश्वर का ही एक रूप तो मनुष्य होता है। वो भिखारी मेरे लिए ईश्वर है, उसने खाया तो मैंने खा लिया। तो इस वक्त खाना नहीं खाओगे तुम? चलो बच्चों, खाना तैयार हो गया है। आए माँ। चलो पार्वती। चलो दीदी। सत्यम आओ खा लो। नहीं, अपने हिस्से का भोजन मैंने एक भिखारी को दे दिया। अरे बेटा, तुमने अपना भोजन भिखारी को दे दिया है, मैं जानती हूँ। तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? आओ खा लो। नहीं माँ, खा लिया है मैंने। आओ सत्यम, खाने पे कैसा गुस्सा? आओ ना भैया, खा लो ना। आओ बेटा, खा लो ना। दूसरों की तृप्ति को ही परमार्थ समझता है मेरा पोता। भूख और प्यास से परे है सत्यम। आपकी निगाहों में आपका पोता सबसे अलग है। घर में सब कोई खाए और सत्यम ना खाए तो भला इसकी माँ का मन मान सकता है क्या? सत्यम अगर नहीं खाएगा तो हम लोग खा सकते हैं क्या? आओ बेटा, खा लो ना। चलो सत्यम, चलो। सत्यम हमेशा सच बोलता है, उसकी बात बदलेगी नहीं। तुम खा लो। Thank you.
आओ राजू, हम लोग नदी में तैरा जाए। नहीं आऊँगा, मेरी इच्छा नहीं है। तुम कभी नहीं आते राजू। तो हम लोगों की किताबों की रखवाली तो करो यहाँ बैठ कर। राजू चलो तैरते हैं, चलो हमारे साथ तैरो। नहीं आऊँगा, मेरी इच्छा नहीं है। हमेशा ऐसा ही करता है। मास्टर जी के सवालों का जवाब हम आज भी नहीं दे सके। तुमने क्यों बोला? हमें डांट खिलवाने के लिए। जवाब जानता था इसलिए बोल दिया। क्या गलत है इसमें? तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया इसलिए मास्टर जी ने तुम्हें डांटा। अनपढ़ जाहिल कहा उन्होंने। देखो मास्टर जी आइंदा से सवाल पूछे तो ये नहीं कहना कि जवाब जानते हो, नहीं तो जानते हो तुम्हारा त्याग करेंगे। क्या करोगे? क्या करेंगे? गिराकर घसीटेंगे। इतना ही ना? अरे ये तो कितना भारी है। अच्छा चलो इसे काउंटर से मारते हैं। अरे वो देखो, ये ले ये ले ये ले और मारो इसे। देखो आज तुम्हारे और ले और ले। चाहे कितने भी कांटे फेंक लो तुम लोग, तुम्हारा ही हाथ दुखेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा सर तो रुई के जैसा है। रुको रुको, मुझे तो कांटे गड़ रहे हैं। ये तो बहुत नुकीले हैं। ये कोई माया है क्या? हम लोगों को तो कांटे गड़ रहे हैं, पर राजू को कोई फर्क ही नहीं हो रहा है। बाप रे कितने नुकीले। हे क्या समझ रखा है, राजू हमारे जैसा सामान्य विद्यार्थी नहीं है, उसमें दैवी शक्तियाँ हैं। राजू हम सबसे भूल हो गई, हमारी गलतियों को माफ कर दो, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। राजू कोई भी गलती नहीं की है तुमने। तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या और क्रोध है उससे अगर दूर होना चाहो तो प्रेम, सहन शक्ति, त्याग, इन सबको बढ़ाना होगा। तुम्हारे बीच ही रहता हूँ पर सबसे प्यार करता हूँ, किसी पे गुस्सा नहीं करता हूँ। कोई भूल करना मनुष्य के लिए सहज है, लेकिन इसे सुधार लेना ही मनुष्यता होती है, वही प्रेम भी है। समझ गए ना तुम? हे! राजू की जय! राजू की जय! ये क्या सत्यम, तुम्हारे सर पे इतने सारे कांटे हैं, कहीं कांटों के पौधे पे गिर गए थे क्या? बाप रे इसके सिर पे कितने सारे कांटे हैं। अम्मा अम्मा क्या है? देखिए सत्यम के सर पे कितने कांटे लगे हुए हैं। अरे कितने सारे कांटे। सत्यम क्यों बेटे, क्या हुआ? इधर आ देखो तो, पैर में कांटे चुभते हैं तो हम नहीं सह पाते हैं। कितने सारे कांटे बेटा। सत्यम क्या हुआ, कैसे गड़े इतने सारे कांटे? क्यों इतना परेशान होती हो माँ? भला बुरा, राग द्वेष, सुख और दुख सभी साथ ही साथ चलते हैं। मास्टर जी ने आज जो कुछ प्रश्न पूछे उनका मैंने अच्छे से जवाब दिया, इसलिए उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। लेकिन कुछ दोस्त लोग ठीक से जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उनको मास्टर जी ने सजा दी। उन दोस्तों को मुझ पर गुस्सा आ गया कि क्यों मैं हमेशा प्रश्नों का सही जवाब देता हूँ, और गुस्से से उन लोगों ने मुझे कांटों से मारा। कांटों से मारा? आने दो पिताजी को, उनके हाथ तोड़वा दूंगी।
दादाजी से बोला तो वो उन्हें अच्छा सबक देंगे। इस बात के लिए इतनी चिंता की कोई जरूरत नहीं। देखिए, बदले की भावना बिल्कुल आग जैसी होती है, थोड़ी देर जलने के बाद वो तो खुद ही बुझ जाती है। वो लोग तो फिर से मेरे दोस्त बन गए हैं, अपनी भूल समझ गए हैं वो। अब से वो ऐसा काम नहीं करेंगे, माफी भी मांग ली उन्होंने, इसलिए उनका बुरा सोचना ठीक नहीं। तेरे कैसे दोस्त हैं वो बेटा, कांटों से मारते हैं। कल को वो नहीं शैतानी करे तो? ऐसा नहीं होगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। सूर्य है एक ही, चंद्र है एक ही, गुरु संसार में कुल है एक ही, धर्म एक ही, सत्य साई दरबार में। एक ही सूर्य है एक ही, चंद्र है एक ही, गुरु संसार में कुल है एक ही, धर्म एक ही, सत्य साई दरबार में। योगी सब पर साई प्रेम कृपा बरसे, होगी कोया योगी सब पर साई प्रेम कृपा बरसे। देश विदेश के नेता गण साई समक्ष विद्यार्थी जैसे, देश विदेश के नेता गण साई समक्ष विद्यार्थी जैसे। जिस भगवान के चरणों को छूकर जग सारा कर जाए, यही तो है शिरडी साई वर्ति साई दिल ये कथा। आ गया गुरुनाथ कपड़े वाला, आ गया कपड़े ले लो कपड़े, गुरुनाथ कपड़े वाला आ गया। वेंकट लक्ष्मी, राम लक्ष्मी, सुबु लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, अरे आइए आइए जल्दी आइए, माल बिक गया तो कुछ पछताए कुछ ना होगा, माही में भारी शोर नहीं आने वाला हूँ। अरे बहन जी, माता जी, मौसी जी, जल्दी आइए, जो देर करेगा पछताएगा, अरे जल्दी आइए, अरे मौसी, अरे जल्दी आना, मैं भी आती हूँ। अरे अरे ऐसा घटिया माल इतने महंगे दाम पे, ऐसा बढ़िया माल इतने अच्छे सस्ते दाम पे कहीं और नहीं मिलेगा। अरे दादी, अरे कपड़े ले लो, क्यों गुरुनाथ कोई नई चीज लाए हो? लाया हूँ ना बहन जी, औरतों के लिए पैंट शर्ट, मर्दों के लिए साड़ी ब्लाउज सब लेकर आया हूँ। लीजिए ये देखिए तो। कैसी अजीब बातें कर रहे हो? अजीब अजीब कुछ नहीं, बरमपुरम, कांजीवरम, वल्लपुरी, मैसूर, अंबाजी पेट से साड़ियाँ लाया हूँ। वहाँ की साड़ियाँ तो बेकार होती हैं। अरे मेरा तो धंधा ही बेकार का है, चोने नहीं तो कपड़े भी तुम जैसे काले हो जाएंगे। मर्दों के लिए धोती कुर्ता, बुशर्ट, अंगरखा, तौलिया, मलमल भी लाया हूँ। हाँ आइए आइए देखिए। पिछली बार तुमने जो मलमल बोलकर मुझे बेचा था उसकी बनियन बनाई तो कांटों सा गड़ता है। मलमल भी कहीं गड़ता है क्या? इस बार बंगाल का मलमल लाया हूँ, पहनिएगा तो लगेगा ही नहीं कि कुछ पहना। कितना नाप दो? दो, ये लीजिए। और नहीं हो गया, एक दफे तो ये साल में निकलते हैं, इनके लिए इतना काफी है। तुम साड़ियाँ दिखाओ। हाँ भाई क्यों नहीं, ऐसी साड़ियाँ दूंगा कि अगर उसको पहनकर कांटों पे भी सो तो जब फर 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 पर हवा चलेगी तो आपको सरसर सरसर नहीं रहेगी। अरे ये साड़ी तो देखो मौसी, मंगलगिरी की साड़ी है, लाल बिंदी लगाकर ये साड़ी पहनो तो महालक्ष्मी जैसी लगोगी। ये धर्मावरम की साड़ी है, दोनों ओर डबल डिजाइन, गाढ़ा हरा और हल्का लाल दोनों के दोनों रंग दिखेंगे। इसे पहनने के बाद इसका असली रंग पहचानने के लिए घंटा भर लगेगा, आपको नहीं देखने वालों को। क्यों, इस तरह रंग उड़ेगा इसका? बिना रंग के मैंने एक दर्जन रंगून भेजी है, चुप रहो, कहीं बाहर खरीदने जाओ तो पता चलेगा, कुछ भी बकती रहती है। अम्मा कपड़े वाला गुरुनाथ आया है। ओए गुरुनाथ। मालिक इधर आ। जी आया। कौन डब राजू जी के घर जाना, जल्दी से पैसे निकालो। अच्छी साड़ी लेकर आना, हाँ दो लेना इस महीने में, बाकी पैसे अगले महीने ले लेना। लो भैया पैसे पहले से तैयार नहीं रखते, सबके सब उधारी मांगते हैं, गिन लो ठीक से जल्दी। हाँ ठीक है,
गुरुनाथ आया मालिक चादर छोटी तो झटक वेलकम्मा पार्वती आओ बैठो आ गए नमस्कार दादाजी नमस्ते अम्मा तुम्हें जो चाहिए ले लो क्या क्या रखे हो बहुत सारी चीजें हैं कैसे हो बेटा क्यों गुरनाथ बहुत दिन बाद आए हो जी हाँ दशहरे पे आया था दीपावली पे आने की सोच रहा था घर वाले चचकी के लिए महके गई है ये अच्छा। दुपट्टा कितने का है केवल 8 आने का है बेटी रेड्डी जी के घर तो 6 आने का बोले थे फिर हमारे यहाँ 8 आने कैसे हो गया कौन रेड्डी जी मैं तो कहीं गया ही नहीं वो नीले रंग वाला दिया ना हरीशचंद्र रेड्डी के घर में जानता हूँ मैं देखो बेटे ऐसे पोल खोलोगे तो कैसे चलेगा राजू जी के सामने झूठ थोड़े ही बोलूंगा मैं वो दुपट्टा तो ऐसा ही था खींचते ही फट जाएगा धोखे सुख है तो हो गए उसके छुट्टे घटिया घटिया चीजें उधर निकालता बढ़िया बढ़िया इधर ले आता अच्छा बेटे तुम तो यहाँ बैठे थे और वहाँ जो जोगा तुमने कैसे देखा ऐसा ही होता है तुम ना समझोगे हाँ बेटा ले लो ले लो जो चाहिए सब ले लो ले लो फंस गए ना गुरनाथ अम्मा ये वाली साड़ी कैसे रहेगी मेरे लिए ले लो बेटी जो अच्छी लगे ले लो ये रंग तो अच्छा। मैं ये लाल वाली ले लूं क्या अम्मा लाल वाली तो पहले से ही है वो पीली वाली ले लो अच्छा तो ये ले लेती हूँ जो चाहिए ले लो बेटी ठीक से नापना ठीक है बेटा अभी पेड़ के नीचे 2 गज बोलकर 1.5 गज दिया ना गलत बात मेरी हर पोल ऐसे ना खोलो बेटा देखो गुरनाथ भूल हो तो सुधारी जा सकती है लेकिन धोखा दोगे तो सुधार ना पाओगे ठीक से नापो ठीक है मालिक बाप रे बाप अम्मा आपने कुछ नहीं लिया अम्मा अभी नहीं बेटी देखा जाएगा फिर अम्मा जी बदलेगी नहीं केवल संक्रांति और दीपावली पे ही कपड़े लेती हैं क्यों गुरुनाथ मेरे लिए कुछ लाए हो आपके और अम्मा जी के कपड़े संक्रांति पे ही लेके आऊंगा ठीक है क्यों गुरुनाथ मैंने जो रंगून सिल्क बोला था लाए हो क्यों नहीं लाऊंगा लीजिए देख लीजिए 6 गज कपड़ा है लेकिन मुट्ठी में आ जाएगा चूके तो देखिए पक्का रेशम है हाय ये रंगून का रेशम नहीं धर्मावरम का कपड़ा है अरे नहीं बेटा धर्मावरम के कपड़े शिप से रंगून जाते हैं वहाँ का छापा लग कर वापस आ जाते हैं उन्हें रंगून का ही कपड़ा कहा जाएगा ना हाँ ये कितने का है कहो 12 आने बिल्कुल सही कहा बेटा तेरे मुँह में घी शक्कर लेकिन असली दाम तो 8 आना है अरे 12 आने 12 आने ठीक है देख लो इस पर तो 8 आना ही लिखा है सच कहा इस पर तो 8 आने लिखे हैं फिर 12 आने क्यों कहे तुमने अरे ये तो मैं देख ही नहीं पाया तुमने कैसे देख लिया ऐसा ही है जो कोई भी नहीं देख सकता वो मैं देखता हूँ इस घर में अगर कुछ बेचना हो तो झूठ ना बोला करो धोखेबाजी ठीक नहीं अरे नहीं बेटा ये कोई धोखा नहीं है 12 आने में 2, 1, 3 क्या सच है क्या झूठ ये अच्छे से जानता हूँ आज के बाद झूठ मत बोलना क्यों रे गुरनाथ तेरा सिर्फ नाम ही गुरनाथ है लेकिन मेरा पोता जगत गुरनाथ है सत्यम को धोखा नहीं दे सकते ये जान लो भूलोगे मुझसे क्षमा कीजिए व्यापार में थोड़ा इधर उधर बोलने की आदत पड़ गई है इसका बुरा न मानिए सही दाम पे सुंदर कपड़े दूंगा छोटे मालिक ये आप पर अच्छा लगेगा ले लो बेटा सत्यम तुम भी कुछ कपड़े ले लो इसकी मुझे जरूरत नहीं ये सब तो केवल शरीर को छुपा सकते हैं हम लोगों को चाहिए मन की गंदगी दूर कर सकने वाले ज्ञान के वस्त्र ओहो हो हो हो। ओए, ये पागलों जैसी बात छोड़ो ये तुम पे अच्छा लगेगा नहीं भैया मुझे कपड़ों का कोई मोह नहीं कोई बात नहीं बेटा वो तुम पर अच्छा लगता है ले लो नहीं माँ एक बार कह दिया ना नहीं लूँगा सत्यम की बातें रामबाण होती हैं उन्हें कोई नहीं बदल सकता पांडुरंग भजन मंडली की जय 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 रंगा Thank you.
क्या माँ ये सब मुझे नजर नहीं लगती। इतना अच्छा भजन गाया तुमने, नजर लग सकती है। इसीलिए तो अम्मा ने नजर उतारी। सजी हुई भगवान की मूर्ति को तो सभी लोग देखते हैं, क्या उनको नजर लगती है? वो देखना अलग है, ये अलग है। श्रद्धा भक्ति से देखने वाली नजरें अलग होती हैं। लेकिन अगर कोई जलन से देखे तो उसकी बुरी नजर लग सकती है ना, इसलिए नजर उतारी। जलने वालों की ईर्ष्या देवत्व के तेज के सामने किसी भी हाल में थोड़ा भी असर नहीं करेगी। कितनी अच्छी बात कही तुमने, वेदांत का सार समझ चुके ज्ञानियों जैसी बातें करता है ये। उम्र से बढ़कर बातें करता है, इसीलिए नजर उतारे। आइए खाना तैयार है। सोच रहे होगे मैंने क्यों बुलाया, उसकी वजह जान लो। मेरी उम्र काफी हो गई है, परिवार का मुखिया हूँ, इसलिए मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनको निभाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोगों का परिवार हो गया, बाल बच्चे भी हो गए हैं, इसलिए रत्नाकर वंश की परंपरा के अनुसार खुद के कमाए धन से सारे कर्तव्यों को इतने दिनों तक निभाता आया, अब तुम्हें सौंप रहा हूं। अब से सारे कर्तव्यों की जिम्मेदारी मेरी ही तरह तुम्हारे बड़े भाई ही निभाएंगे। बेटे अपने भाइयों को समझाओ। जो कुछ कहा पिताजी ने सुना ना, कभी ना कभी बंटवारा होना ही है, इसीलिए फैसला किया गया। बंटवारा कैसे होना है इसमें लिखा है, इन्होंने खुद लिखा है। तुम लोग खुद पढ़कर अपनी बात पिताजी से कह सकते हो। हाँ, सब कुछ तो हमें लिख दिया, लेकिन अपने लिए? मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, मेरी जायदाद तो तुम लोग हो। और मुझे चाहिए भी क्या, दो जून रोटी, और वो तो मैं खुद ही बना सकता हूँ। जी नहीं गम्मा, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मुझे अपने बेटे सत्यम को दे दो, मुझे लगेगा मैंने सारी दुनिया पा ली। क्या कहते हो बेटा? सत्यम आपका पोता है और आप मुझसे पूछ रहे हैं? बस काफी है। हाँ, इस बंटवारे को लेकर किसी को कोई संदेह हो तो पूछ लो। कुछ नहीं पूछना है, आपके निर्णय पे संदेह कैसे हो सकता है? आपने जो कह दिया वही होगा। चलो बेटा, उसी हिसाब से लिखा पढ़ी करवा लो। ठीक है। सत्यम ही मेरी जायदाद, मेरा सर्वस्व। दादाजी क्यों रो रहे हैं? ये कष्ट के आंसू नहीं है मेरे पोते, खुशी के आंसू है। प्यास लग गई आंखों में। बढ़िया खुशबू है, जल्दी से परोसो। ठहरिए दादाजी, थोड़ी देर और है।
ओहो ओहो हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कैसा है? बहुत अच्छा है। तुमने जो पकाया। अरे वाह, दादा और पोता इतनी जल्दी खाने पर बैठ गए। आहा, मैं आप लोगों के लिए खाना बना कर लाई हूँ। नहीं बेटी, आज सत्यम ने खाना बनाया है, जानती हो कितना स्वादिष्ट है। अरे सत्यम ने खाना बनाया है? हाँ माँ। 64 कलाओं में पाक कला भी होती है, ऐसी कोई कला नहीं जो मेरा पोता ना जाने, सब जानता है। चलिए बहुत अच्छा हुआ, पोते के बनाए खाने से दादाजी का पेट तो भरा। आप भोजन तो कर चुके हैं, थोड़ी सी खीर परोस देती हूँ। ठीक है बेटी, ठीक है। बोलो बेटे, माँ ने कैसा बनाया? स्वतंत्रता में खुश थे, किसी की स्वतंत्रता छीनना ठीक नहीं। वो सब जैसे अपनी स्वतंत्रता में खुश थे, वैसे ही हम भी खुश हैं इनके साथ खेल खेल कर। खेलने के लिए इतने साथी लोग तो हैं, हम मिलकर खेलेंगे, मेंढकों से थोड़े ही खेलना चाहिए। देखो तो सही, बेचारे कैसे तड़प रहे हैं, इन बेचारों को छोड़ दो, जीव को सताना नहीं चाहिए। इसे कोई सताना थोड़े कहा जाता है, हम इन्हें अपने घर ले जाएंगे, वहाँ पर उनके साथ खेलेंगे। बेजुबान जीवों को सताना महापाप है। कोई पाप नहीं है, मेंढक तो कहीं भी जिंदा रहते हैं, नदी से अच्छी तरह ये हमारी टोकरी में रहेंगे। तुम लोगों को अगर पानी में फेंक दिया जाए तो ठीक होगा क्या? जो जिस जगह जी सकता है उसे उसी जगह पर रहना चाहिए, यही सृष्टि का रहस्य है। तो एक और रहस्य तुम भी जान लो, नदी के अंदर तो मेंढक के साथ सांप भी रहते हैं। और जानते हो मेंढकों के साथ सांप क्या करता है? उन मेंढकों को पकड़ कर यूं ही गटक जाता है। फिर वो मेंढक मर जाते होंगे, इसीलिए इन जीवों की रक्षा करने के लिए इन्हें टोकरी में डालकर घर ले जाकर सुरक्षित रखेंगे हम लोग। किसकी कैसी रक्षा करनी है, जिसकी जैसे रक्षा करनी है, किसको सजा देनी है, ये भगवान जानते हैं, हम नहीं। इसीलिए तो रक्षा कर रहा है। ज्यादा दलीलें न दो, ये बताओ इन मेंढकों को छोड़ते हो या नहीं? नहीं छोड़ूंगा। छोड़ते हो या नहीं? नहीं छोड़ूंगा। छोड़ते हो या नहीं? नहीं छोड़ूंगा। राजू तुम्हें समझने में भूल हुई, अब जाके कहीं जान पाया मैं? तुम साधारण बच्चे नहीं हो हम जैसे, मैंने गलती की, क्षमा कर दो। चलो अपनी गलती तो मान ली, तुम लोग आइंदा किसी भी जीव को नहीं सताना। ठीक है राजू। आओ घर चलते हैं। चलो।
इतनी नन्ही सी उम्र में धैर्य, सहन शक्ति, प्रेम, ऐसे उत्तम गुण उन्होंने खुद में पैदा कर लिए। हर तरफ अच्छाई बांटने वाले बाबा को हर कोई देव बालक के रूप में ही देखता था। बड़े छोटे सभी बाबा को प्रेम करते थे और उन्हें भक्ति भाव से देखते थे। कोई भी अगर किसी को दुख पहुंचाता हो या किसी का दिल दुखाता हो, उसे सुधारने की कोशिश करते थे हमारे बाबा जी। बाबा जी ने बुक्कापट्टनम के स्कूल में पढ़ाई की? बाबा जी जब बुक्कापट्टनम में पढ़ रहे थे, तभी उनके भाई शेषम राजू का कमलापुर के पशुपति सुब्बा राजू जी की बेटी सुशीला अम्मा से ब्याह हो गया। शेषम राजू भी कमलापुर में रहने लगे। वेंगम राजू कमलापुर भेजकर भाई के ही साथ रख वहीं आगे की पढ़ाई पढ़ाना चाहते थे हमारे बाबा जी को। नमस्कार शेषम राजू जी। अच्छे हो रमैया? हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते। जाने क्या क्या बातें करते रहता है। वो जो तो आ रहे हैं। सारे बातें बताएंगे। मैं भी बात कर रहा था पुजारी जी से, बातें करने लगा। देखो आ रहे हैं, आगे आगे शेषम राजू जी। शेषम राजू जी, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या? क्या बात है? बहुत अच्छे, जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। आपके भाई राजू के बारे में गाँव वाले कुछ न कुछ कहा करते थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया, अब जान गया। क्यों जी, राजू तंत्र मंत्र की बातें क्यों करता है? वो तंत्र मंत्र जानता है क्या? कितने दिनों तक चुप रहे बहुत है। आपके दादाजी पिताजी को देखकर चुप थे। अपने भाई को थोड़ी बुद्धि सिखाइए, कहिए अपनी उम्र के हिसाब से रहे। मांस मछली खाना जीव हिंसा है, वो ये प्रचार करता है, भजन गाकर लोगों को भड़काता है। जो बात इतने दिनों से चली आ रही है उसे बदलने का ठेका लिया। ठीक है, समझा दूंगा। वो मेरा भाई है इसलिए उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। ना समझे मैं कुछ कर बैठा होगा वो। आप लोग गंभीरता से इस चीज को ना लें। क्या करें, हालात ही ऐसे बन गए शेषन जी। आपके भाई पे हमें कोई गुस्सा नहीं, राजू जी के बेटे हैं इसलिए कहा। देख लीजिएगा। जी ठीक है, देख लूंगा। लेकिन आपने जो देखने को कहा है वो जल्दी देखिएगा। बिल्कुल ठीक कहा। सत्यम की बातों से हर रोज चिंता बढ़ती ही जा रही है। ये छोटे बच्चों जैसी बातें नहीं करता है। इसका रवैया समय और हालात से अलग दिखता है। सत्यम छोटा है, अच्छा बुरा नहीं जानता। देखिए, छोटे बच्चों की बातों में भी अर्थ होता है। ये भी तो हो सकता है कि हम न समझ पा रहे हों उसे। सच बोला तुमने, लेकिन बताया ना, इसका रंग ढंग समय और हालात से बिल्कुल अलग है। सोचता है इसके अंदर कोई शक्ति है, लेकिन लोग तो ये नहीं मानेंगे ना। कुछ लोग तो उठपटांग मजाक भी करते हैं। हाँ माँ, उस दिन पुट्टपर्ती में सारे बच्चों को जुटाकर सत्याग्रह करवाया। इस उम्र के बच्चों का काम है ये। राजू जी का बेटा अच्छा काम करेगा, सब लोग यही सोचते होंगे। अभी बुक्कापट्टनम के तेलुगु मास्टर ने नोट्स के लिए पूछा इसे, तो ये उनसे सवाल जवाब करने लगा। उन्होंने थोड़ी सी सजा क्या दी, इसने उनको कुर्सी से ही चिपका दिया। ये बात अच्छी नहीं है कहा तो, यूं ही खिलवाड़ के लिए क्या कहता है, गुरु जी का अपमान करने के लिए नहीं। अब इन्होंने एक नई समस्या खड़ी कर रखी है। यहाँ तो पीढ़ियों से लोग मुर्गे और बकरी का मांस खाते आ रहे हैं। ये उसके विरोध में गीत लिखकर गांव के बच्चों से गवाता रहता है। गांव के बड़े बुजुर्ग मुझसे पूछते हैं, ये तो इतना छोटा है लेकिन ऐसे ऐसे काम क्यों करता है। वो सब अगर एकजुट होकर इसके पीछे पड़ गए तो क्या होगा? क्यों रे सत्यम, इतने आरोप तेरे ऊपर? मैंने कोई गलत काम नहीं किया दादाजी। दवा तो कड़वी ही होती है, फिर भी हम उसे लेते हैं ना, क्योंकि उसमें भलाई होती है। उसी तरह कड़वाहट में अच्छाई होती है, पर ये बात लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसी बातें हमें समझाया करो बेटे। हाँ हाँ, पोते की बातें सुनकर बहुत खुशी होती है आपको। बड़ी बातें छोटे मुँह के लिए अच्छी नहीं। इसकी बातें किसी की समझ में नहीं आती, आएंगी भी तो कोई मानेगा नहीं। कलयुग में अच्छी बातें कौन सुनना चाहता है? और भला बुरा, नीति न्याय, ये सब बोलने की इसकी उम्र है क्या? जवाब दो। भला बुरा, नीति न्याय, धर्म, ईश्वर, इनका उम्र से क्या संबंध होता है? देखा ना माँ, मैं इससे कितना बड़ा हूँ, ये मुझसे ऐसे जबान लड़ाता है। तुम भाई हो इसलिए खुलकर कहता है,
कुछ गलत ना सोचो शेष बेटा। देखो बेटा, सत्यम किसी आफत में न फंसे ऐसा रास्ता निकालो। एक ही रास्ता है सिर्फ, इसे हम कमलापुर भेजेंगे। क्यों शेष बेटा? हाँ पिताजी, यही बात तो मैं भी बोलना चाहता था। क्या कमलापुर? हाँ, बुक्कूपट्टनम में पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे कमलापुर तो जाना ही होगा आगे पढ़ने के लिए। शेषम राजू भी तो वहीं ससुराल में रहकर टीचिंग कोर्स की पढ़ाई कर रहा है ना, क्या फर्क पड़ेगा? सत्यम भी उसके साथ वहीं रहकर पढ़ लेगा तो। क्यों सत्यम, कमलापुर जाओगे? हमें कहाँ रहना है, क्या काम करना है, हम ये फैसला नहीं कर सकते। जैसी इच्छा ईश्वर की, यहाँ रहूँ या वहाँ। हाँ, यह सब भलाई के लिए है। वहाँ रहकर पढ़ाई तो पूरी कर सकोगे और सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। क्या बोलती हो ईश्वरी? विजयदशमी को 3 महीना है, उसके बाद देखेंगे। और बाबूजी तैयार होंगे तो ना। मेरा क्या है बेटी, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। परिवार में ये सबसे छोटा है, इसलिए इस पर थोड़ी ज्यादा ममता है। शेषम्मा, तुम और वेंगम्मा इसे कमलापुर इसलिए भेजना चाहते हो कि इसका स्वभाव बदलना है, इसे कोई समस्या ना आए, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, यही चाहते हो ना? यही ना? ठीक है, भेज दो, ये भी तो तैयार है। किसी का दिल दुखाना इसका स्वभाव नहीं। अटेंशन, ये कोई पीटी की जगह नहीं मास्टर जी, ये है क्लासरूम। साइलेंस साइलेंस, मैं जानता हूँ, एक खास बात बताने जा रहा हूँ। बैठो बैठो। विद्यार्थी लोग, तुम लोग स्काउट ज्वाइन करोगे, लोगों की और देश की सेवा करते हुए आगे बढ़कर समाज सेवा कार्यक्रम में भाग लोगे। क्योंकि विद्यार्थियों, प्रत्येक नागरिक ऐसा रहे तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। क्या बोलते हो? सेवा ही उद्देश्य होना चाहिए, सेवा को उद्देश्य बना लेने की आदत हमें होनी चाहिए। पुष्पगिरी का मेला कब है सर? कौन है भाई, समाज सेवा के लिए इतनी उतावली मचा रहा है? बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगले सोमवार से पुष्पगिरी का मेला शुरू हो रहा है, वो 10 दिन चलेगा। उसके पहले तुम लोगों को खाकी ड्रेस सिलवा लेनी है, फिर 10 दिन वहीं रहकर जनता की सेवा करनी है। इन सब के लिए 10 रुपए खर्च आएगा। कैसा खर्चा सर? बताता हूँ ना, ठहरो। आने जाने का बस का किराया, फिर 10 दिनों तक खाने का खर्चा वगैरह, समझ गए ना? समझ गया सर। बैठ जाओ, सबको आना जरूरी है। जो जो आ रहा है हाथ उठाओ, नहीं नहीं, जो ना आ रहे हो हाथ उठाओ। क्यों सत्यम, तुम नहीं आओगे? देखो, तुम ही क्लास के लीडर हो, तुम्हें जरूर आना होगा। हाथ नीचे करो। ठीक। क्यों राजू, तुम नहीं चलोगे? अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हम सब मिलकर चलेंगे सत्यम। लोगों की सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए, 2 कदम आगे रहना चाहिए। ओह, सत्यम क्यों नहीं आएगा पूछते? बेटा सत्यम, आओगे ना? अच्छा, सोमवार को 10 रुपया चंदा दे देना। सभी को स्काउट यूनिफॉर्म में ही आना होगा, बोलोगे तो नहीं? देखो घंटी बज गई। जैसा कि मैंने बोला है, मेले में सभी आने की कोशिश करना। ठीक है मास्टर जी। देखो सत्यम, तुम भी जरूर आना। राजू, तुम क्यों नहीं चलोगे?